है यूपी के चंदौली से, जहां केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार लगातार किसानों की आय वृद्धि की बात करते हैं, लेकिन जिले में मूलभूत सुविधाएं ही किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। नवीन मंडी की स्थापना इसलिए की गई थी कि जनपद के किसान अपने यहाँ फसल उचित मूल्य पर बेच सकें और उन्हें सरकारी सुविधा भी प्राप्त हो। जनपद में 17 जून को लगभग 12 घंटे मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे चारों तरफ जल जमाव हो गया। वहीं नवीन मंडी चंदौली में जल जमाव और दुर्व्यवस्था के शिकार किसान हो रहे हैं। भारी बारिश के कारण जहां जल जमाव हो गया है, वहीं इस संख्या में किसानों की सब्जियां भी बर्बाद हो गई है, जिन्हें अपनी सब्जियाँ खुले में फेंकनी पड़ी। बर्बादी के कारण किसानों का गुस्सा फूटा और उन्होंने सारा गुस्सा नवीन मंडी समिति पर फोड़ दिया। किसानों का आरोप था कि उनको उचित सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, उनसे शुल्क लिया जाता है, उनके सामान बर्बाद हो रहे हैं, मजबूरन उन्हें अपनी सब्जियां फेंकनी पड़ी हैं। वहीं नवीन मंडी चंदौली के सचिव ने नवीन मंडी के दुर्व्यवस्था को लेकर अपना दुखड़ा रोया और संसाधन की कमी का हवाला देते हुए ये भी कहा कि किसानों को आने वाले समय में और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नवीन मंडी में जल निकासी और सड़क मरम्मत कार्य जो ठेकेदार कर रहा है, उसने अभी कार्य रोक रखा है। क्या यहाँ की व्यवस्था, कुछ रोड और पानी का जमा हो जा रहा है, जिसके कारण दिक्कतें हैं आने जाने में व्यापारियों को भी और किसान को। तो सरकार द्वारा किसानों को इतनी व्यवस्था दी जा रही है, व्यापारियों को यहाँ पे देख रहे हैं पूरा सब्जी भीगा हुआ है, तो सब बीच में खा जा रहे हैं, और क्या हो रहा है, तब व्यवस्था मिल नहीं रही है। मिलना चाहिए, पूरा मिलना चाहिए, जब मिल रहा है तो हमको भी मिलना चाहिए। यही कहना चाहते हैं कि जैसे यहाँ जल जमा हो जा रहा है, उसको थोड़ा सी निकासी हो जाना चाहिए, मंडी में जितना कीचड़ वगैरह साफ सुथरा हो जाना चाहिए। तो इसकी लापरवाही किसकी है यहाँ पे, सरकार की और किसकी है, मंडी सचिव का है, इंस्पेक्टर का है, और क्या है। इसकी शिकायत आपने कभी की थी किसी से? ये तो एप्लीकेशन कभी नहीं डाला गया था। इसमें सब किसानों का आरोप है कि यहाँ नवीन मंडी में उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। कल भारी बारिश के दौरान उनकी काफ़ी सब्जियां नुकसान हो गई, उनके जो उन्होंने मंडी में बेचने आए थे वो नुकसान हो गया जल भराव के कारण। तो ये किसकी लापरवाही मानते हैं, किस वजह से? सर देखिए, इसके लिए 63 बना हुआ है किसानों को अपना माल बेचने के लिए, व्यापारी जो हैं उसको बेच के अपना बेचते हैं, उनके लिए दिया गया पूरा सेट एक व्यापारियों के लिए दिया गया है किसानों की सुविधा हेतु, जो किसान आएंगे अपना सेट पे ही अपना माल रख के अपने बेचेंगे, दिया गया है। बाकी का रहा जल भराव का, तो उसके लिए नाली बन रही है और प्रस्ताव गया हुआ था, पूरा रोड बन रहा है, गिट्टी वगैरह पड़ गई है, बरसात की वजह से काम रुका हुआ है, आगे से काम जल्दी जल्दी से कराया जाएगा। इसको किसानों का आरोप है कि यहाँ किसान और ग्राहक ज़्यादा संख्या में आते हैं, 3 से 1 है, इस वजह से उनको बाहर रखना पड़ रहा है, जिसके कारण उनका नुकसान हुआ है। तो भाई जो जितनी जगह है उसी में किया जा रहा है। ये नवीन मंडी बनी है तो ये सभी के लिए होगा, तो उनको पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए, जब सब्जी मंडी यहाँ जिले की लगाई जाती है। तो जगह तो काफ़ी है ही है, आगे लगा सकते हैं, तो कब सेट है, 2 ही हैं यहाँ पर बने हुए हैं, एक पर आप देख ही रहे हैं गेहूँ खड़ी चल रही है, एक सेट उन्होंने की परमानेंट दिया गया है सब्जी मंडी के लिए, सब्जी वालों के लिए परमानेंट है दिया गया है। कमियां मानते हैं, कमियां हैं उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, कमियां हैं जो उसको दूर की जाएंगी और जल्दी शीघ्र की जाएंगी, सड़क वगैरह बन जाएगी, नाली वगैरह बन के वो कम्प्लीट हो जाएगा। अभी बरसात लगातार होने की संभावना जताई जा रही है, तो क्या उम्मीद है कि फिर किसानों के साथ वही समस्या होगी या उनके बचाव के लिए कुछ किया जाएगा? अभी तो वही समस्या रहेगी, क्योंकि जो है ठेकेदार को काम करना है, वो अभी नहीं कर पा रहे हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।